अब चूंकि आपने गूगल माई बिजनेस में अपनी लिस्टिंग ऐड कर ली है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको ऑप्टिमाइज करें ताकि गूगल को आप अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम्स, अपनी लोकेशन, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि गूगल में जब कोई ये सर्च करे तो उनको भी चीज़ें मिल जाएँ। इसमें गूगल कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, जिसमें कुछ ऑफ़र्स हैं, वो आपको स्टेटस अपडेट करने की ऑप्शन देता है, वो आपको ऑफ़र्स लगाने की ऑफ़र देता है कि आप अपनी डिस्काउंट ऑफर्स लगा सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ गूगल ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो आप उनका फ़ोटोग्राफ़र ऑर्डर कर सकते हैं, जो उनका फ़ोटोग्राफ़र आएगा और आपकी तस्वीरें लेके बड़े अच्छे से अंदर से और बाहर से सारी तस्वीरें लेकर आपकी लिस्टिंग में डाल देगा, तो वो सर्विसेज भी गूगल मुहैया करता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये लिस्टिंग गूगल का एक और प्लेटफॉर्म है। लोग समझते हैं कि गूगल का सोशल मीडिया चैनल नहीं है, लेकिन गूगल मैप्स इटसेल्फ ये गूगल का सोशल मीडिया चैनल है। इसमें लोग बाकायदा इंटरेक्ट करते हैं। आपने किसी बिज़नेस के पास जाना हो तो आप उस बिज़नेस को पहले गूगल मैप्स में देख सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं, उसके बाहर से अंदर से आसपास की जगहें देख सकते हैं, और यहाँ तक कि उनके ऑफिस का इंटीरियर देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। तो अगर आप खुद से तस्वीरें अच्छी खींच के अपने ऑफिस की तस्वीरें लगाएं, अपने स्टाफ की तस्वीरें लगाएं, अपनी वो सारी अपडेट्स लगाएं, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाऊंगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा डालेंगे उतने चांसेज हैं कि आपकी लिस्टिंग ऊपर आएगी। तो आइए देखते हैं। मैं दोबारा से उसी लिस्टिंग पर जाऊँगा जो मैंने अभी पिछले टॉपिक में बनाई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि ABC फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ का एक डैशबोर्ड मुझे मिल चुका है। वेरिफिकेशन चूँकि मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे वो लेटर मैंने नहीं मंगवाया। जब मैं लेटर मंगवाऊंगा तब ये वेरिफिकेशन होगी और ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इन द मीन टाइम मैं बाकी चीज़ें देखूंगा कि गूगल मुझे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। वो देखें आप, यहाँ पर मुझे गूगल ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी लिस्टिंग पूरी करें, जिसमें मुझसे क्या मांग रहा है। वो कह रहा है कि आप पहले अपने घंटे ऐड करें कि आप कब ओपन होते हैं, कब क्लोज़ होते हैं, तो मैं यहाँ जाके अपने आवर्स ऐड कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कोई यूज़र जो सर्च करता है आपके बिज़नेस के बारे में, गूगल उनको बता देता है कि जी कब बंद होने वाली है या कब ओपन होने वाली है। अगर आप किसी दिन छुट्टी करते हैं, आप संडे क्लोज हैं तो आप संडे क्लोज रखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोग जो है वो बेसिकली जब सर्च करते हैं तो उनको साथ ही पता चल जाता है कि आपकी ओपनिंग या क्लोजिंग टाइम क्या है। अगर आप सुबह 10 बजे ओपन करते हैं या 8 बजे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, 8 AM से आप रात को 12 या 2 AM रात के 2 बजे तक आप ओपन रहते हैं। तो आप 2 लिख के यहाँ पर सारे जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 दफ़ा मतलब सुबह ओपन करते हैं, फिर दोपहर को ऑफ़ करते हैं, फिर शाम को ओपन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, जिस तरह अक्सर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स होती हैं सुबह 2-4 घंटे, शाम को 2-4 घंटे, तो आप एक दिन में मल्टीपल आवर्स भी ऐड कर सकते हैं कि आप किस किस टाइम पर अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटी है वो गूगल प्रोवाइड करता है लोगों को, ताकि वो जो है उसको अपना टाइमिंग बता सकें। और ये बाद में लोगों को हेल्प करती है। जब लोगों को हेल्प करती है तो अगेन अल्टीमेटली ये गूगल आपको उसका रिवार्ड करता है। तो मैंने रैंडमली बाकी जगहों पे मंडे को मैंने 8 से 2 बजे का टाइम रखा है, बाकी में 24 आवर्स रखा है। अगर आप 24 आवर ओपन है तो आप उसको 24 आवर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेव करूँगा गूगल मेरा कम्प्लीशन स्कोर बेहतर करेगा। मैं होम पर जाता हूँ वापस, तो आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी मेरा 65% हो गया। वो मुझे कह रहा है कि अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करें, प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे सजेशन दे रहा है ताकि मैं अपनी 100% लिस्टिंग को पूरी करूँ। राइट साइड पे जब वो बता रहा है कि मेरे जैसे बिज़नेस जो है वो और क्या क्या कर रहे हैं, वो अपनी ऑफर्स लगा रहे हैं। ये गूगल का एक तरीका है मुझे कन्विंस करने का कि मैं गूगल का ये प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ, ताकि मैं भी वो ऑफर्स लगाऊँ जो बाकी लोग वो ऑफर लगा रहे हैं। और वो मेरे लोकेशन के आसपास मुझे बता रहा है कि लोग और क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट पोस्ट का बटन दबा के, जिस तरह फेसबुक में स्टेटस अपडेट लगता है, उससे मैं भी एक स्टेटस अपडेट लगा सकता हूँ। और आप देखेंगे कि इसमें पूरा एक इमेज और उसकी जो है वो पोस्ट और बाकी सारी चीज़ें, इवेंट है तो इवेंट, ऑफ़र है, प्रोडक्ट है या कुछ भी है, डिफरेंट तरीक़ों से मैं कुछ भी यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ। और ये चीज़ें सबसे इंटरेस्टिंगली ये चीज़ें गूगल के सर्च इंजन में अवेलेबल होंगी, और इसीलिए ये मैं ज़्यादा पावरफुल इसलिए समझता हूँ कि जब कोई सर्च करेगा आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको गूगल आपकी प्राइस भी दिखाएगा, आपकी रेंज भी दिखाएगा, आपका नाम और सब चीज़ें, प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें वो दिखाएगा, और यहाँ तक कि आप उसको प्रीव्यू भी कर सकेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा पावरफुल टूल है गूगल की तरफ से, जो कि लोकेशन में आप काफ़ी, अगर आप लोकेशन मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ये बेहतर रहेगा। आप नहीं भी कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको करें। रिव्यूज़ में, रिव्यूज़ तो आपको तब मिलेंगे जब बेसिकली आपको लोग देखेंगे और उसके बाद आपके रिव्यूज़ आपको देंगे। अक्सर लोग स्ट्रैटेजी ये करते हैं कि वो रिव्यू लेने के लिए फ्री ऑफ़र या कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, ताकि वो यूज़र उस डिस्काउंट को लेने के लिए ऑफ़र आपको रिव्यू फ्री करें। फिलहाल हम ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे हमारी लिस्टिंग पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक नहीं होगी तो हमें कोई रिव्यू नहीं दे सकेगा। इसी तरह से वो मुझे स्टैट्स कह रहा है कि आपके स्टैट्स, यानी कि जिस तरह गूगल एनालिटिक्स मैंने आपको शो किया था पिछले टॉपिक्स में कि कैसे गूगल एनालिटिक्स से आप ट्रैक कर सकते हैं,
कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। गूगल आपकी लोकल लिस्टिंग की स्टैट्स यहाँ शो करता है, जब तक आप वो पब्लिक नहीं जाएंगे तब तक वो आपको नहीं यहाँ शो करेगा। मैं आपको जल्दी से लेफ्ट साइड में जो कॉलम्स हैं मैं इनके टैब्स आपको शो कर देता हूँ कि डिफरेंट टैब्स में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर्म का आपने सेक्शन देख लिया, फॉर्म के बाद मैंने पोस्ट के सेक्शन में गया तो वहाँ पर मैं अपनी एक स्टेटस पोस्ट लगा सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन के मैं क्या उस वक्त अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डेली की एक पोस्ट या 10 पोस्ट लगा सकते हैं, ये सारा कंटेंट गूगल में एक्सेसिबल होगा और विजिबल होगा। अभी मुझे एरर दे रहा है कि जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूँगा तब तक मैं उसको नहीं लगा सकता। मैं इन्फो में जाता हूँ, इन्फो बेसिकली मेरी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है कि उसमें मैंने इमेज क्या रखना है, अपना बैनर इमेज क्या रखना है, अपनी मैंने सर्विसेज क्या ऐड करनी है, अपना एड्रेस चेंज करना है या अपना मैंने सर्विस एरिया चेंज करना है, मैंने अपने ओपनिंग आवर्स, स्पेशल आवर्स और अपना फ़ोन नंबर, अपनी डोमेन, अपनी एट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें मैं जो चेंज करना चाहूँ मैं अपनी प्रोफाइल यहाँ पर बिल्ड कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं कोई मेरे एक से ज़्यादा स्टोर्स हैं तो मैं अपने स्टोर का कोड भी लिख सकता हूँ कि ये मेरा स्टोर नंबर 1, स्टोर नंबर 2, स्टोर नंबर 3 या जो भी कोड आपने डिसाइड किए हैं अपने स्टोर्स के वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रिमूव करनी हो लिस्टिंग, आपका ये बिज़नेस बंद हो गया या लिस्टिंग ऐसी रिमूव करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली इनसाइट्स पे जाएंगे, ये वही चीज़ है जो रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा था। गूगल जब आपको ये स्टैट्स दिखाएगा, जब आपकी लिस्टिंग वेरीफाई होगी, यहाँ पर वो आपको बताएगा कितने लोगों ने आपको सर्च किया, कितने लोगों ने देखा, कितने ने क्लिक किया, कितने ने कॉल किया और कितने ने यहाँ तक कि आपकी लोकेशन जनरेट की अपने मोबाइल से आपकी लोकेशन तक आने तक। ये सारी चीज़ें काफ़ी वैल्यूएबल हैं, जब बिज़नेस लोकल बिज़नेस जब आप चलाएंगे तब आपको ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद रिव्यूज़, जब भी आपको कोई छोड़ेगा तो रिव्यू सेक्शन में यहाँ पर आपको रिव्यूज़ नज़र आएंगे, आप हर रिव्यू का जवाब दे सकते हैं। अच्छे रिव्यूज़ को आप ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करते हैं और जो बुरे रिव्यूज़ होते हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। जब आप सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि वो आपको रिव्यू बुरा दें। सो अगर आपको लगता है कि आपने सर्विस अच्छी दी है और लेकिन फिर भी उसने नाजायज़ बुरा रिव्यू छोड़ा तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसका जवाब दे सकते हैं कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसके बाद मैसेजिंग का एक ऑप्शन है जो कि लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, एक प्रॉपर जो है वो लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं, वो डिफरेंट तरह की एक इनबॉक्स के टाइप एक आपको ऑप्शन है, आपको ईमेल देनी नहीं पड़ती, यहाँ से ही लोग आपको मैसेज छोड़ेंगे जहाँ पर आप जब उसका रिप्लाई करेंगे तो आपके सारे यहाँ पर डेटा स्टोर्ड होगा। फोटोज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ोटोज़ आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं या आप अपनी किसी फोटोग्राफर को ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ मुल्कों में जो गूगल है वो खुद वो रिकमेंड करता है, आप उनकी फ़ोटोग्राफर्स को हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज की फ़ोटोज़ हैं, प्रोफाइल, कवर, वीडियो। उसके बाद आप आगे चलते जाएं देखेंगे ऊपर उन्होंने टैब्स बनाए हुए हैं, वीडियोज़ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन की यहाँ चीज़ें अपलोड करें, एक्सटीरियर की यहाँ पर अपलोड करें, आप वर्क में कैसा वर्क स्टाइल है आपकी, इंटीरियर कैसा है आपका, डेकोरम कैसा है, आपके किचन कैसा है, सारी चीज़ें आप एट वर्क किस तरह से अपना माहौल एक वो आप बेटर माहौल आप प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ पर ऐड करें। टीम की फ़ोटोज़ आप यहाँ ऐड करें, आइडेंटिटी यानी कि ब्रांडिंग जो कि आपकी ब्रांडिंग आपका लोगो वगैरह जो आपके बैनर होगा वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें गूगल आपको प्रोवाइड करता है ताकि एक कंप्रीहेंसिवली आप उसको अपना ब्रांड इमेज बिल्ड कर सकें। वेबसाइट का एक फीचर है जो कि गूगल ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल माई बिजनेस की आप छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं जो गूगल एज अ वेबसाइट शो करेगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है भी तो आप फिर भी बना लें तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। फाइनली अगर आपको किसी यूज़र को ऐड करना है तो आप ये यूज़र्स में जाके उन लोगों को ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट को एक्सेस दे सकें, या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट ने आपको ऐड करना है तो वो अपने यूज़र्स में जाएगा और आपको एक्सेस दे देगा, उससे ये होगा कि आप उसकी लिस्टिंग को मैनेज कर सकेंगे। एक और चीज़ ये भी देख लें कि आप जहाँ से जब ऐड रन करना चाहें तो ये जहाँ से लोकल ऐड जहाँ से रन होते हैं, अगर आपने अपनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग को ऐड से बूस्ट करना है तो आप जहाँ जाएंगे और जहाँ से ऐड क्रिएट करेंगे, ये गूगल एडवर्ड से डिफरेंट है लेकिन ये हमारे कोर्स में फॉल नहीं करता। ये आपने होपफुली डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारा डीजी स्किल्स पे दूसरा कोर्स है उसमें आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई नई लोकेशन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इसी बिज़नेस की एक नई लोकेशन, मतलब कि अक्सर होता है कि एक ब्रांड की 10 ब्रांचेज़ होती हैं तो अपनी हर ब्रांच यहाँ से जाके एक नई लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपकी वेरीफाई लोकेशन, बाकी चीज़ें ये सेटिंग्स की हैं, ये आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए SEO काफ़ी बूस्ट करेगी। इससे गूगल माई बिज़नेस का मैंने आपको वॉक थ्रू करवाया कि इस तरह से ये एक अपने आप में एक पूरा सोशल चैनल बन चुका है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो गूगल में आ सकती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो आप फेसबुक पे नहीं कर सकते या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, गूगल में सब अवेलेबल है। आपको इंश्योर ये करना है कि आप अपना बिज़नेस या अपने क्लाइंट का बिज़नेस जब गूगल में लिस्टिंग करवाएंगे उस पर आप रोज़ाना ऑफर्स देंगे, उसमें अपनी अपडेट्स देंगे, स्टेटस अपडेट देंगे, गूगल इसको एज एन एक्टिव ब्रांड समझेगा और इस चीज़ की बेस पे वो आपको रैंक भी करेगा। हमने बार बार बात की कि गूगल कंटेंट को प्रेफर करता है, ये भी एक तरह का कंटेंट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं और ये कंटेंट आपकी प्रोफाइल से लिंक्ड है। अल्टीमेटली ये गूगल को हेल्प करेगा आपके इमेज बेहतर शो करने में, और चूंकि
ये गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल की तरफ से आ रही है, तो टेक्निकली ये आपको एज होगा अपने कंपेटिटर्स के ऊपर जो कि गूगल के ऊपर नहीं होंगे, और आप उसके ऊपर रैंक कर सकेंगे। तो इंश्योर करें कि गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग या गूगल लोकल SEO है, उसको डेफिनेटली अपनी SEO स्ट्रेटजी में इसको ऐड करें।